आलमी खबरों में अभी खबर यह है कि अमरीकी जरीदे ने कहा है कि आलमी वबा कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खातीन सबराहान मुमलिकत ने मर्द लीडरों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर बरवक्त और जरूरतमंदाना इकदाम उठाए हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने ताज़ा इदारे में कोरोना से लड़ने पर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल समेत दुनिया भर की खातून रहनुमाओं की तारीफ की है और कहा है कि वो कोरोना बहरान से ज्यादा बेहतर तरीके से निपटने में कामयाब हुई हैं। अखबार ने लिखा है कि एंजेला मर्केल ने जर्मनी में इब्तदा में ही काम किया और तहम्मुल का मुजाहरा किया। एंजेला मर्केल ने जर्मनी में जल्द अज जल्द टेस्टिंग का अहतमाम किया और कोरोना वायरस को काबू में रखने में कामयाब रहे। We had no one in hospital for COVID-19 for 12 days. It's been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self-isolation. And so today, I can announce that Cabinet has agreed we will now move to level 1. अमरीकी जरीदे ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न के इकदामात को काबिले तहसीन करार दिया जिनकी बदौलत मुल्क से कोरोना का खात्मा मुमकिन हो सका है और दो रोज कबल न्यूजीलैंड के अस्पताल में ज़ेरे इलाज वायरस से मुतासर आखिरी मरीज भी सेहतियाब होकर अपने घर चला गया है, जिस पर जेसिंडा आर्डर्न ने बहुत खुशी का इजहार किया है, जिसके बाद उन्होंने लाखों फेस मास्क अमरीका और यूरोप के दिगर मुल्कों को भिजवाए हैं। इसी तरह आइसलैंड में वज़ीर आज़म कैटरीन जेकब्स ने मुल्क में मुफ्त कोरोना टेस्टिंग का अहतमाम किया। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेटी फ्रेडरिकसन और फिनलैंड की वज़ीर आज़म सैना मैरिन दोनों 34 साल की हैं। उन्होंने भी बहरान से अच्छी तरह निमट कर दिखाया। इसी तरह नॉर्वे की वज़ीर आज़म एमा सोलबर्ग ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया।